जहां तक समाजवादी का पार्टी का सवाल है, करप्शन, कमीशन और क्राइम, ये इस सपा का दूसरा नाम है, समाजवादी पार्टी का दूसरा नाम है। जहां समाजवादी पार्टी रहेगी वहां भ्रष्टाचार रहेगा। जहां समाज, अभी देखिए अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, 16,000 करोड़ रुपए का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ही नहीं दिए, भूल गए। देखो छोटी मोटी चीज नहीं भूलते, 16,000 करोड़ रुपए यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भूल गए। भ्रष्टाचार, क्राइम, किसी ने कहा सपा के गुंडे, मैंने कहा गुंडा शब्द थोड़ा हल्का है भाई, गुंडा और सपा ये तो पर्यायवाची है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सपा हो और गुंडा ना हो तो कार्यकर्ता कैसा, यही तो काम है उनका। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये राजनीति करते हैं समाज को विभाजित करते हुए। आप बोलोगे कैसे, अखिलेश के जमाने में 200 दंगे हुए, 200 दंगे 5 साल के अंदर, और योगी जी के जमाने में एक भी दंगा नहीं हुआ, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश बना। बोलो समाज को बांटने का कौन काम करता है? आप बताइए, मुजफ्फरपुर दंगे में 93 लोग मारे गए, 5,000 लोग, 50,000 लोग घर छोड़ करके चले गए थे। कैराना में 60 परिवार घर छोड़ के पलायन कर गए, कोई पूछने वाला नहीं था। बताइए गुंडई कौन करता है, दंगे कौन करता है? और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अखिलेश की सरकार विफल रही है, अखिलेश की सरकार ने किसी एक धर्म को विशेष तरीके का तवज्जो दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दंगा को काबू पाने में असफल रही है अखिलेश की सरकार। और जब योगी जी की सरकार आती है तो माफिया राज, ये सब तड़ी पार, ये सब बाहर, या तो जेल में या बेल पर, और बेल में भी यहां नहीं रहते, दूसरे जगह जाकर के अपने आप को केस रजिस्टर करा करके जेल के अंदर रहते हैं। ये स्थिति आकर के खड़ी है।